सर सबसे पहले हमें बताइए इस मशीन के बारे में, कैसे वर्क करती है, स्पेसिफिकेशन क्या, कीमत है कितनी, प्रोडक्शन है कौन कौन, कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको चला सकते हैं? ये है जी फिलहाल छोटी मशीन जी, मक्का थ्रेसर जी। इसकी प्रोडक्शन जो होगी 1 घंटे में 15 क्विंटल निकालते हैं मक्का, और सफाई से निकालती है, जो साबुत गुल्ला होता है उसे भाग कर देते हैं पीछे के, यहाँ पीछे के तरीके से अच्छा, इधर मैं से दिखा दूंगा बाद में जी। तो सही करोगे अच्छा, जो इसका हमने प्राइस रखा गया है, जी। इसका प्राइस रहेगा 50,100, 50,000 रुपये कीमत है इस पचास मशीन की। हजार रुपये सर कीमत है। अगर कोई किसान भाई बाहर से जाते, कि मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आते हैं बिहार, बंगाल, देहरादून, और जी आपके नेपाल से बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्ट की फुल सुविधा है कि नेपाल हो कोई से राज्य, हर जगह राज्य हमारी मशीन जाती है, और ट्रांसपोर्ट में तुरंत सब वो होती है हमारे यहाँ से। अच्छा सर, बात करें 50,000 से अलग किसानों को देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट को जोड़ के ये 50,000 की पड़ती नहीं, है? ट्रांसपोर्ट अलग से है। कितना है? माना कि मैंने नेपाल में मुझे मशीन भेजनी है, तो ट्रांसपोर्ट आपके अंदाजे से आप बताइए कितना लगेगा? ट्रांसपोर्ट का जो भी भाड़ा होगा, मान लो 40,000 हो, 50,000 हो, वो अलग से लगा, लेकिन उसमें फुल गाड़ी आएगी फुल गाड़ी आएगी, जिसमें मतलब एक मशीन आप नहीं भेजते ऐसे? एक मशीन जो होगी ट्रांसपोर्ट से अलग से जाएगी, जिसका भाड़ा होगा 7,000 या 8,000 तक का। 7-8 हज़ार रुपये भाड़े में लगे, मतलब 50,000 की इसकी ट्रांसपोर्ट कीमत है ट्रांसपोर्ट, मतलब लमसम मान लो हम 60,000 रुपये कीमत में मशीन पड़ेगी। सर जी, गारंटी क्या है इस मशीन की? गारंटी से चलने की है, गुल्ला साबुत निकलना चाहिए और जी दाना साफ हो इसका, अच्छा, बाकी इसमें कोई मशीन में शिकायत नहीं है, आते इतनी मशीन ना निकाल जो कोई हमारी कंप्लेंट नहीं आई। सर गारंटी मतलब वारंटी, गारंटी साल की, 6 महीने की या 1 साल की गारंटी नहीं नहीं देते? अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हमारी जो वर्क करेंगे उन्हें तुरंत सप्लाई आएगी। तो मतलब आप वहाँ अपने टेक्नीशियन भेजते हैं? जी 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 तुरंत अच्छा। सप्लाई आएगी। सर बात करें प्रोडक्शन की, 1 घंटे में कितना निकालती है? ये 1 घंटे में 15 क्विंटल निकालती है जी, 15 क्विंटल मक्का निकाल निकाल देती है। देगी अच्छा जी। सर बात करें ट्रैक्टर की एचपी की, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कौन सा ट्रैक्टर इसमें यूज करें? ये 24 HP से लेकर 35 HP तक के, इसमें कोई लोड नहीं पड़ सकता, बढ़िया निकाल लेगी दाना ये। अच्छा, कौन से गियर में चलती है, हाई में, लो में, पूरी जानकारी दें सर। ये लो में चल भी चलेगी और हाई में भी चलेगी, जितना लोग इसको हाई करेंगे इतनी प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी, जितनी लो करेंगे उतनी कम निकलेगी। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ पूछना भूल गया हूँ, या फिर इसकी सावधानी के बारे में मुझे थोड़ा रख रखाव के बारे में बताइए, किसान भाइयों को आप बताइए इस मशीन में क्या क्या सावधानी रखे कि ये लंबे समय तक टिकाऊ रह सके और चल सके? इसकी सबसे अहम बात तो यह है जो सावधानी के लिए रखनी है इसको, जी। इसकी तेल गरारिया, ये इसमें तेल का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जितना तेल होगा इसके अंदर, जितनी साफ सफाई रहेगी, इतनी मजबूत और इतने लंबे समय तक मशीन चलेगी। तो आपने जाना मक्का थ्रेसिंग की मशीन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो सर का नंबर और कॉन्टैक्ट और पता मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पता लेकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जल्द मिलता है ऐसी किसानों से संबंधित वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।